एक समय था जब सभी के पास आपको फीचर्स फोन जरूर देखने को मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे स्मार्टफोन आना शुरू हुए, फिर भी ये जो फीचर्स फोन है अपनी जगह बरकरार रहे, क्योंकि उस टाइम जो स्मार्टफोन आया करते थे उनकी बैटरी इतना लंबा बैकअप नहीं दे पाती थी जितना ये फीचर्स फोन देते थे। इनमें आप घंटों तक लगातार बात भी कर सकते थे, लेकिन आज के टाइम पर ये बिल्कुल गायब से हो गए हैं। अब ये हमारे पेरेंट्स के पास या फिर हमारे दादा दादियों के पास ही आपको देखने को मिलेंगे, बाकी किसी के पास ये फीचर्स फोन अब मिलते नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ सैमसंग का एक बहुत ही बढ़िया फीचर्स फोन, जो कि 11 जुलाई 2014 में लॉन्च किया गया था और उसके बाद काफी लंबे टाइम तक ये चला और आज मार्केट में आपको बहुत ही कम ये फोन देखने को मिलेगा। तो आज मैं करने जा रहा हूँ इसकी अनबॉक्सिंग सीधे 2014 से 2023 में। तो दोस्तों, बॉक्स पैकिंग देख लीजिए, यहाँ पर व्हाइट कलर का बॉक्स, ऊपर सैमसंग का लोगो, डुअस यानी कि दो सिम कार्ड ये सपोर्ट कर लेता है, मोबाइल का डिजाइन यहाँ पर दिया गया है, नीचे मॉडल नेम सैमसंग SMB310E। इसके अलावा इस साइड आपको कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, 2 इंच की डिस्प्ले मिलती है इसमें, QVGA TFT, म्यूजिक प्लेयर दिया गया है, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है, FM रेडियो और टॉर्च भी इसमें दिया गया है, बाकी बैक साइड कुछ नहीं मिलेगा और इस साइड IMEI नंबर लिखे गए हैं। चलिए बॉक्स को हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो जैसे आप बॉक्स ओपन करोगे तो सबसे ऊपर आपको फीचर्स फोन ही नजर आएगा। दोस्तों, इसे तो फिलहाल साइड रखते हैं, बॉक्स कंटेंट में देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये उस टाइम की हैंड्स फ्री जो कि काफी ज्यादा यूज की जाती थी, ये काफी कंफर्टेबल होती थी, आजकल तो बहुत कम देखने को मिलती है और हैंड्स फ्री आपको आज के टाइम पर किसी भी स्मार्टफोन में बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलती है। तो ये देखिए, काफी अच्छी क्वालिटी की एक हैंड्स फ्री आपको मिल जाती थी। इसके अलावा आपको एक चार्जर अडेप्टर इस टाइप का मिलता था जिस पर कोई USB केबल नहीं मिलती थी और ये माइक्रो USB वाला चार्जर यहाँ पर आपको दिया गया है। केबल की लेंथ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ठाक जाती थी। हम आते हैं डायरेक्ट हमारे फीचर्स फोन की ओर, तो ये हम रैपर से आजाद कर लेते हैं और ये देखिए दोस्तों, ये निकल के आ गया जी हमारा फीचर्स फोन। इस पे लेमिनेशन किया हुआ है, इसे भी रिमूव कर लेते हैं, दोनों तरफ लेमिनेशन किया हुआ है। उस टाइम आप मार्केट में जाके लेमिनेशन जरूर करवाते होंगे फीचर्स फोनों पर, लेकिन आज की डेट में तो टेम्पर्ड ग्लास ने ले ली है उनकी जगह। तो काफ़ी प्रीमियम फिनिशिंग मुट्ठी के अंदर आ जाता था ये फीचर्स फोन। देखिए इतना छोटा साइज है इसका। आगे की साइड का लुक देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और डिस्प्ले बड़ी मिल जाती है, 2 इंच की डिस्प्ले। आज के टाइम पर जो फीचर्स फोन आ रहे हैं कई कंपनियों के, उनमें आपको काफ़ी छोटी डिस्प्ले मिलती है, लेकिन यहाँ ठीक ठाक एवरेज डिस्प्ले आपको मिल जाती थी। कीपैड यहाँ पर रबड़ के दिए गए हैं, काफ़ी अच्छे कीपैड है ये। यहाँ पर आपको म्यूजिक के लिए अलग की मिल जाती थी और यहाँ से लॉक की यहाँ पर आप, और नीचे आपको स्टार पर लॉक की भी मिल जाती थी। इसे देर तक प्रेस करने पर फोन हमारा लॉक हो जाएगा या फिर अनलॉक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने बैटरी नहीं देखी दोस्तों बॉक्स में। तो बैटरी भी है दोस्तों, ये 800 mAh की बैटरी सैमसंग की, इससे आपको दिखाए तो देख सकते हैं कुछ इस तरह की लिथियम आयन की बैटरी आपको इसके साथ मिलती थी। लास्ट में क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल कुछ इस टाइप के आपको दिए गए थे जिसे आप आराम से पढ़ सकते हैं, सारा मोबाइल का डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है। आज के टाइम में इन्हें कोई नहीं पढ़ता है। बाकी दोस्तों, आ जाते हैं हम सीधे फीचर्स फोन पर। इसका प्लास्टिक बहुत मजबूत होता था, कहीं भी गिर जाए टूटता नहीं था। पीछे की साइड सैमसंग की ब्रांडिंग की गई है, स्पीकर यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, यहाँ से साउंड आएगी। ऊपर की साइड 3.5 mm का ऑडियो जैक, बगल में LED टॉर्च लाइट और इस साइड तो कुछ नहीं, लेकिन इस साइड आपको चार्जिंग के लिए यहाँ पर जैक दिया गया है और सिर्फ प्राइमरी माइक आपको मिलता था। काफी अच्छी फिनिशिंग आपको इसके बैक पैनल में मिल जाती थी जिन पर स्क्रैचेस भी नहीं आते थे। बाकी दोस्तों, इसको हम ओपन करते हैं तो इसका कवर ओपन होता है कुछ इस तरह से और अंदर आपको 2 सिम कार्ड स्लॉट दिए गए हैं और मेमोरी कार्ड स्लॉट यहाँ पर, मात्र 16 GB तक का ही मेमोरी कार्ड सपोर्ट करेगा ये फोन। चलिए बैटरी को इंसर्ट कर लेते हैं और दोस्तों अब इसकी पावर को हम ऑन करते हैं और देखते हैं इसकी डिस्प्ले कैसी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सैमसंग का लोगो आ गया है, देखते हैं कितना टाइम लेता है ये फुली ऑन होने में। और फर्स्ट टाइम ऑन हो रहा है दोस्तों। इसमें आपको स्क्रीन रेजुलेशन मिलता था 128
160 पिक्सल का और पिक्सल डेंसिटी 102 ppi की। हाउ आर यू टुडे लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर टाइम सेट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हमें अभी टाइम सेट नहीं करना है। तो 00 लिखा हुआ आ गया है, इंसर्ट सिम बता रहा है यहाँ पर, अभी सिम कार्ड हमने लगाया नहीं है तो वही बताएगा। डिस्प्ले करीब से देखिए दोस्तों, ठीक ठाक डिस्प्ले आपको मिल जाती थी। टाइम के फॉन्ट थोड़े बड़े रखे गए हैं, डेट और डे के फॉन्ट छोटे रखे गए हैं। मेन्यू की प्रेस करें तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉल लॉग दिया गया है, कॉन्टेक्ट और म्यूजिक प्लेयर और माई फाइल, बिल्कुल अभी कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि फोन की खुद की कुछ मेमोरी नहीं है। बस 512 KB की रैम मिलती है, सिंगल कोर प्रोसेसर मिलता है 208 mAh का। तो जब आप मेमोरी कार्ड लगाओगे तभी यहाँ पर फोल्डर शो होंगे। बाकी कैलेंडर आपको मिल जाता था, अलार्म और गेम्स में देखते हैं क्या क्या गेम्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो एक नाम मात्र का गेम आपको यहाँ पर दिया गया है कुछ इस टाइप का, तो ये गेम देख सकते हैं यहाँ पर, ये तो हमने कभी खेला भी नहीं है। आपने खेला हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी दोस्तों यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं और देखते हैं, यहाँ पर FM रेडियो मिल जाता है आपको इसमें। अगर आपके यहाँ FM कैच करता है तो आप FM का यूज भी कर सकते हैं, मजे से गाने सुन सकते हो। मेमो का ऑप्शन, सेटिंग और एप्लीकेशन में देखते हैं तो यहाँ पर आपको टाइमर, स्टॉप वॉच, कैलकुलेटर और भी कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जो आज की डेट में एक स्मार्ट वॉच में ही मिल जाते हैं, इससे ज्यादा फीचर्स। बाकी दोस्तों यहाँ पर LED टॉर्च लाइट कुछ इस तरह से इसकी जलती है। और यहाँ पर हम इसकी सेटिंग में जाके देखें तो सिम कार्ड मैनेजर यहाँ पर दिया गया है, प्रोफाइल, डिस्प्ले सेटिंग, यहाँ पर वॉलपेपर आप चेंज कर सकते हैं, टाइम एंड डेट, फोन सेटिंग, एप्लीकेशन सेटिंग, सिक्योरिटी, PC कनेक्शन और नेटवर्क। नेटवर्क में देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर, अभी सिम कार्ड नहीं है तो नेटवर्क का ऑप्शन जो है वो ऑन नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो फीचर्स फोन है आज की डेट में आपको लगभग 1500 रुपए का कहीं मिल जाएगा ऑफलाइन स्टोर पर, हो सकता है ऑनलाइन स्टोर पर भी कभी कभी आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों कैसा लगा आपको ये फीचर्स फोन, 2014 का मॉडल है, काफी कमाल की फिनिशिंग और एक सेकेंडरी फोन की तरह आप अगर आज के टाइम में यूज करते हो तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी बैकअप काफी लंबा रहता है, 11 घंटे तक लगातार इससे आप बात कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपके कुछ ना कुछ काम आई होगी, जिससे आपको मोबाइल परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ।